हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना। और बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं पढ़ने के लिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, दैट इज द इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों, अब तक के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया मैटर के क्लासिफिकेशन को, जिसको हम डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में। फिर हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर मिक्सचर्स के बारे में या इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन प्योर सब्सटेंस में हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी या उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देखिए, एंड कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने समझा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले, कौन दिख रहा है बच्चों? ये मतलब ये तो कुक ड्रेस इसने पहना है, कुक जैसा, और कर रहा है ये रिएक्शन। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये चाय बना, कुकीज बना रहा है कि केमिकल रिएक्शन कर रहा है। क्योंकि दिख रहे सेटअप रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन बन रही है कुकीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ भाई, क्या पढ़ा रहे? बोले सर आज खाना खिलाने वाला लगता। नहीं नहीं, खाना वाला नहीं खाने वाले अपन। बस टॉपिक है अपना मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले। और हम लोग जानते हैं सबसे प्यारा हमारा मिक्सचर्स, मतलब हमारे लिए, मतलब देखो मैं इसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ हल्दीराम का, लेकिन हमारे लिए, मतलब हमारे एरिया में हम इसे बहुत ज्यादा मानते हैं, मतलब फेवरेट है हमारा मिक्सचर्स बोलते बराबर। हल्दीराम का पैकेट हम पसंद आता है, हमारे दिमाग में वो आता ही है। आता है कि नहीं आता? अगर आता है तो कमेंट में बताएंगे सर आता है नहीं आता। तो फिर आपको क्या आता है दिमाग में मिक्सचर बोलते वक्त? शायद कुछ किसी को चूड़ा भी आता होगा, लेकिन मिक्सचर्स बोलते बराबर हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके का वेफर्स हमारे दिमाग में आता है, इसी वजह से मैंने उसे लिया है। अगर हम उस मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे तो मिक्सचर्स मतलब होता है बहुत सारी चीज को एक में मिक्स कर दिया। होता है कि नहीं होता? क्या होता है पैकेट के मिक्सचर में? उसमें कुछ क्या होता है? उसमें कुछ शेव होता है, गाठिया होता है, कुछ उसमें ग्राउंडनट्स होते हैं, उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, उसमें कुछ स्पाइसेस होते हैं, कुछ अलग अलग चीजें उसमें, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज मिक्स करके बनाई जाती है। तो वैसे ही ऐसे सब्सटेंस जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स कर दिया, उसे हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर्स बच्चों। जैसे कि हमने प्योर सब्सटेंस में कहा था कि द सब्सटेंस विच आर मेड अप फ्रॉम ओनली वन सब्सटेंस, बट हियर If the substances are made up from more than one substance, बहुत सारे substances को मिला के बनाएंगे, तो उसे हम कहेंगे mixtures। देख सकते हैं हम definition में भी लिखा हुआ है हमारे पास। अरे ये वापस क्यों आ गया? तो चलते हैं definition में। अब mixtures contain more than one substance। अब देखो वो substance element भी हो सकता है, compound भी, एक से ज्यादा element या एक से ज्यादा compound। mixtures मतलब hydrogen के साथ oxygen mix कर दिया, mix कर दिया, react नहीं बोला है बच्चों। It is not chemically reacted, it is only mixed physically। Mixtures are in physical behavior, physically mixed, not chemically mixed। तो अब वो compound भी हो सकता है, mixtures भी हो सकता है। Example के तौर पे पानी में नमक mix कर दिया, या पानी में आप जो bottle लेके mix करना चाहते हो वो mix कर दिया, लेकिन वैसा कुछ हमें mix करना नहीं है फिलहाल यहाँ पे। तो mixtures के बारे में तो clear हो गया कि ऐसा substance जो बहुत सारे substance को मिला के बना हुआ है। लेकिन ये जो mixture है ये दो part में divide होता है। पहला टाइप है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है बच्चों, व्हाट इज अ हेट्रो? हेट्रो और होमो, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग जगह अलग अलग रहेगा, और होमोजीनियस का मतलब रहता है सेम। इसे समझने के लिए हम अपने बोर्ड को यूज करते हैं। हम मिक्सचर के दो टाइप को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिक्सचर। आप क्या करेंगे, ये मिक्सचर के दो टाइप हमें समझना है। तो ये दो टाइप समझने के लिए हम दो ग्लास ले लेंगे पहले। हाँ मूड बन रहा है बच्चों, है ना, मूड बन रहा है। दो ग्लास ले लिए। अब इसमें आइस वाइस नहीं लेके आना आपको, हमें लेके आना यहाँ पे वाटर, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी बोला है। तो इसको मैंने भर दिया वाटर से, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, दोनों सेम सेम हो गए। अब आप बोलोगे सर ये तो हम पानी तो रोज ही पीते हैं, अब क्या करें? अब होगा क्या, अब दो ग्लास है, एक ग्लास के साथ क्या करना है, एक ग्लास में सॉल्ट मिक्स करना है बच्चों। क्या सॉल्ट मतलब क्या होता है? नमक। तो क्या होगा यहां पर, क्या दिखेगा वो मुझे बताएंगे। और दूसरे ग्लास में बच्चों हमें मिक्स करना है, दूसरे ग्लास में मिक्स करना है सॉइल। तो इस ग्लास में हमें क्या दिखेगा? पहला जो ग्लास है, आप इमेजिन कर सकते हो कि जो पहला ग्लास है, मतलब पानी में नमक मिक्स कर दिया, तो ये जो ग्लास है पूरा पानी जैसा पहले था, जैसा पहले था वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं सेकेंड ग्लास की बात करूं तो वैसा नहीं दिखेगा, पहले साफ पानी था, अब सॉइल डालने के बाद इसमें कहीं पत्थर, कभी कीड़े मकोड़े, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें वहां दिखने लगेगी हमको। तो अब ये दो टाइप के मिक्सचर, मतलब देखो मिक्सचर में हमने क्या बोला, एक से ज्यादा सब्सटेंस आने चाहिए, मतलब वाटर था पहले से,
पहले से वाटर था, इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, इसमें हमने सॉइल ऐड कर दिया, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड हो गए, एक से ज्यादा सब्सटेंस हो गए, मतलब पानी भी है। अगर सिर्फ पानी होता, सिर्फ वाटर होता तो क्या होता बच्चों, मुझे बताएंगे कंपाउंड होता कि एलिमेंट होता कि प्योर सब्सटेंस होता, कमेंट में मुझे उसका आंसर बताएंगे। तो यहां पर दो सॉल्यूशन समझ में, अब इसमें क्या हो रहा है पहले वाले सॉल्यूशन में, हियर देयर इज, अब पहला पॉइंट है कि वो क्लियर, ये क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, एक क्लियर बनेगा, क्या बनेगा, क्लियर बनेगा, और ये क्या बनेगा, अनक्लियर, अनक्लियर सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें यहां पर, दूसरा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं कि आप अगर चम्मच ले लो और चम्मच से ऊपर से इसको पी लो थोड़ा सा, तो नमक का पानी लगेगा, इधर से पी लो नमक का पानी, अलग अलग जगह से पी के देखो, सब जगह सेम, सेम एवरीवेयर, कहीं से भी पी के देख लो सॉल्यूशन सब जगह सेम रहेगा, सेम जगह नमक लगने वाला है। लेकिन बच्चों दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारा, इसको पी के नहीं देखना है, इसको पी के देखा, इसको पी के नहीं देखना, आंखों से देखना है, आंखों से देखना है और चेक करना है। देखो यहां पे स्टोन दिख रहे, मतलब क्या होगा, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, तो नीचे देखोगे तो यहाँ हैवी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ऊपर देखोगे तो छोटे छोटे लाइट लाइट पार्टिकल्स दिखेंगे, और बीच में देखोगे कुछ और दिखेगा, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन, मतलब इट इज नॉट यूनिफॉर्म, सेम का मतलब होता है यूनिफॉर्म, सेम का मतलब होता है यूनिफॉर्म। इसी के लिए मैंने बोला कि ये जो होगा ये होगा होमोजीनियस, जिसमें यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनेगा वो रहेगा होमोजीनियस, और यहां पे क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा, नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों ये नॉन यूनिफॉर्म, ये आपको मैंने बता दिया, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, नीचे अलग ऊपर अलग बीच में अलग, तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है, इसी वजह से इसका नाम आ जाएगा हेट्रो, दिस इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो बच्चों अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर, अब मैंने सिंपल एग्जांपल से बताया, दो ग्लास लिया, एक में सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालने वाला वो वाला एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का, जिसमें सॉइल डाला वो हुआ हमारा हेट्रोजीनियस का एग्जांपल। तो बात क्लियर है बच्चों होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हम उनके और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने देख लिया दैट मिक्सचर्स आर द कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब देखो यहां पे दो डायग्राम मैंने बनाए, ये दो डायग्राम इसीलिए बनाए ताकि आपको समझ जाए, ये जो है ये आपका फेवरेट जूस है, तो अच्छे वाले जूस ही पियेंगे तो अच्छा रहेगा, लाइफ अच्छी रहेगी, खराब जूस पी लेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है पहले वाले कंटेनर में कि पानी है और इसमें हमने कोई कोई भी फ्लेवर, कोई भी रसना या रूह अफ़ज़ा कुछ भी इसमें मिक्स कर दिया, तो एक क्लियर मिक्सचर बन जाता है, एक सिस्टमैटिक मतलब पूरा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक ग्लास में सॉइल को मिक्स करके मैं घुमाते रहो, आप एक दिन घुमाओ, दो दिन घुमाओ, तीन दिन घुमाओ, चार दिन घुमाओ, क्या वो ऐसा बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा बच्चों। इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है? देन अब हम आ गए हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, और यहाँ पर डायग्राम भी मजेदार लग रहा है हमको कि पानी है, पानी में मैंने धीरे धीरे इंक डालना शुरू कर दिया, तो बच्चों क्या होगा, ये इंक पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, ये भी एक एग्जांपल होगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का। चलिए हम देखते हैं व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज द मिक्सचर दैट हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, यही मैंने आपको मतलब समझाया, सेम कंपोजिशन मतलब आप ऊपर चले जाओ, ऊपर के पार्टिकल देखो, नीचे के पार्टिकल देखो। अब यहाँ पे डायग्राम में ये मिक्स होने के बाद की बात हो रही है, अभी ये तो सिर्फ ऐड हो रहा है, लेकिन जब मिक्स हो जाएगा, जो कि इसके पहले वाले डायग्राम में था थोड़ा सा, कि ये पूरा मिक्स हो गया, तो ऊपर के पार्टिकल्स पकड़ोगे, नीचे के पार्टिकल पकड़ोगे, सब तरफ सेम आएगा, इसे हम बोलेंगे कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब दैट इज मिक्सचर हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। इसका एग्जांपल शुगर डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, और आपका फेवरेट, बच्चों आपका फेवरेट क्या है वो कमेंट में बताएंगे कि क्या डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, जो आपको पसंद आता है सबसे ज्यादा। देन इसका अपोजिट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, मैं बता चुका हूं व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर पानी और इसमें कुछ, ये सपोज चाय है, चाय जब हम बनाते हैं तो चाय पत्ती में हम गरम गरम पानी जब मिक्स कर लेते हैं तो चाय पत्ती के पाउडर, मतलब चाय पत्ती बोलो या टी पाउडर बोलो, टी पाउडर एंड वाटर, ये मिक्स हो जाता है, लेकिन टी पाउडर पूरा डिसॉल्व नहीं होता, पूरा मिक्स नहीं हो जाता, वो अलग रहता है और पानी अलग रहता है, मतलब इसमें मल्टीपल फेज बनते हैं, मतलब इसमें सॉलिड भी रहेगा लिक्विड भी रहेगा, लेकिन इसके पहले जैसे कि हमने देखा इस एग्जांपल में सॉलिड कुछ नहीं था, पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता है यहां पर। तो चलिए पढ़ते डेफिनेशन देखते हैं इसमें। ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स सेपरेट एंड कैन बी ऑब्जर्व इंडिविजुअली, मतलब क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट अलग अलग दिखेंगे, देखो पानी अलग दिख रहा है और इसमें जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग दिख रहे हैं। टी वाटर, टी आपने देखी है, काली चाय बना के देखना या मिल्क वाली भी टी बनाओगे तो भी उसमें जो टी पाउडर होता है वो सेपरेट अलग रहता है, उसको हम छान के सेपरेट करते हैं, पता है आपको। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑयल इन वाटर,
ऑयल को पानी में मिक्स करके देखना, वो मिक्स नहीं होगा बच्चों, ट्राई करके देखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि पानी, ऑयल और पानी मिक्स होता है या नहीं होता। अब हम चलते हैं मिक्सेस के एग्जांपल पे। ये क्या दिख रहा है बच्चों अपने को, ये तो मतलब मेरा फेवरेट मूवी का सीन है एक्चुअली। है किसी को पता होगा तो कमेंट में बताएंगे आप मुझे कि कौन सा मूवी का है। अब यहाँ पर दिस इज द इमेज आई वॉन्ट टू शो अबाउट द एयर, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसे इससे देखकर क्या इमेजिन हो रहा है, मतलब बलून्स है, कहाँ उड़ेंगे, एयर में उड़ेंगे। तो दिस इज द एयर, सो अवर एटमोसफियर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, मतलब हम जिसके सराउंडिंग में, एयर हमारे सबसे करीब है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एयर हमारे सबसे करीब है और ये एयर जो है इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेज जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है और ये सब गैसेज को मिला के हमारा एटमोसफियर बना है, मतलब कि हमारा एयर बना है। और ये क्या हुआ, क्या आपको अलग अलग गैस अलग अलग दिखती है, दिखती है नहीं दिखती, इसी का मतलब एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है बच्चों, हेट्रोजेनियस नहीं है। अगर सपोज अलग अलग दिखती तो हम तो ऑक्सीजन पकड़ के पूरा जिंदा हो जाते ना, जिसको मतलब जिन जिन की तबीयत खराब हुई उन लोगों को ऑक्सीजन का टेंशन नहीं होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्लियर आ रहा है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर इन डिफरेंट वे, मतलब देखो हमने होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस बोला वो एक ब्रॉड वे में हुआ, लेकिन होमोजेनियस को ही हम मतलब जब होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते थे उसे हम सॉल्यूशंस कहते हैं। नॉर्मली जो भी मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन, मतलब जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो दे आर द सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब उसे सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। और जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसके दो टाइप है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप है, सस्पेंशन एंड कोलाइडर। सस्पेंशन का मतलब होता है, अब देखो ये एक टाइप का सस्पेंशन हुआ, या फिर जो हमने एग्जांपल देखा पानी में अगर आप सॉइल को ऐड कर दें, पानी में अगर आप सॉइल को ऐड करेंगे तो सॉइल नीचे बैठ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, उसे हम सस्पेंशन कहेंगे। और कोलाइडल सॉल्यूशन में होता क्या है, ना तो वो सॉल्यूशन का रहता है, सॉल्यूशन में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, सस्पेंशन में कंप्लीटली बैठ जाता है, मिक्स नहीं होता। लेकिन कोलाइडल्स में वो मिक्स होता है लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, मतलब दिखने में, देखो मिल्क, मिल्क मुझे बताओ होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस है। सो मिल्क दिखने में तो होमोजेनियस दिखता है लेकिन बच्चों इन रियलिटी वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अगर आप उसको बहुत तेजी से घुमाएंगे, आपको पता है मिल्क से मक्खन बनाया जाता है, उसको मिक्सर में बहुत तेजी से घुमाते हैं, आपके घर में मम्मी को पूछना मक्खन कैसे बनाते हैं, उसको मिक्सी में तेजी से घुमाया जाता है तो फिर क्या बन जाता है, उसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और वो उसमें समझ में आएगा कि पार्टिकल्स कैसे, मतलब मिल्क भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ऑयल इन वाटर भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन सॉल्ट इन वाटर एक हमारा होमोजेनियस मिक्सचर आ रहा है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस मतलब होमोजेनियस पहले ही बताया मैंने, तो दे आर मेड अप बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो दो टर्म आ रहे हैं हमारे पास में, सो दो टर्म आ रहे हैं हमारे पास में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। जैसे कि हमने नमक को पानी में डिसॉल्व किया था तो सॉल्यूट क्या था वहां पे बच्चों, जो डिसॉल्व करते हैं, जो दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो सॉल्ट एक सॉल्यूट है और वो किस में डिसॉल्व हुआ, वो पानी में डिसॉल्व हुआ, इसलिए जो डिसॉल्व कर लेता है, जैसे कि वाटर इट डिसॉल्व सॉल्ट इन इटसेल्फ, वो सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए वाटर एक सॉल्वेंट हो गया और इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब हम ऐड कर दे तब बन जाता है सॉल्यूशन। जैसे कि इस पानी में कुछ कलर ऐड कर दिया, इंक या फिर रूह अफ़ज़ा बोलो या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी जूस ऐड कर दिया हो ये कलरफुल हो जाएगा, वैसे ही दे आर मेड अप बाई मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है, द सॉल्वेंट डज डिसॉल्विंग, और सॉल्वेंट क्या करता है, डिसॉल्विंग करता है, मतलब जो खुद के अंदर डिसॉल्व करके लेता है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व करवाता है और सॉल्यूट दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों सस्पेंशन, सस्पेंशन दे आर द हेट्रोजेनियस, देखो सॉल्यूशन होमोजेनियस थे और सस्पेंशन आर द हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विच सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व, मतलब देखो अब ये सॉलिड इन लिक्विड ये तो ऐसा नहीं बोल सकते, या सॉलिड इन लिक्विड इन विच सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व, ये डायग्राम में देखो, जैसे कि हमने सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ा था कि मैंने पानी ले लिया और इस पानी में मैंने सॉइल ऐड कर दी, तो सॉइल के पार्टिकल्स क्या इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे बताओ मुझे, क्या सॉइल के पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों। तो सॉलिड के पार्टिकल्स जब हम पानी में या किसी भी लिक्विड में जब मिक्स करते हैं और वो जो सॉलिड डिसॉल्व नहीं होता, सी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें
सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता, समझ में आ रहा है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। और सस्पेंशन क्यों बोला? सस्पेंशन बच्चों, सस्पेंड का मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। अगर हमने इस पानी को रख दिया ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो ये सारे के सारे पार्टिकल नीचे जमा हो जाएंगे कि नहीं होंगे? सारे के सारे पार्टिकल नीचे जमा हो जाएंगे। इसी वजह से इस टाइप के सॉल्यूशन हमको हम कहते हैं सस्पेंशन, बिकॉज द पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वो पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। फाइनली हम बात करते हैं कोलाइड्स की। कोलाइड्स में क्या हो रहा है बच्चों? दीज आर द मिक्सचर्स कैरेक्टराइज पार्ट वे बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मतलब सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में। जैसा कि ये मिल्क का एग्जांपल, मिल्क है बच्चों, दिखने में कैसा होता है ये? दिखने में ये हमें होमोजेनस दिखता है, लेकिन अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, हम पढ़ेंगे आगे सेंट्रीफ्यूजेशन, तो जब हम इसको बहुत हाई स्पीड में घुमाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो अपीयर्स कैसा होता है? अपीयर्स एज सॉल्यूशन, दिखने में सॉल्यूशन है, बट रियलिटी क्या है उसकी? रियलिटी इज सस्पेंशन, मतलब रियलिटी में वो सस्पेंशन है। सस्पेंशन बोलो या हेट्रोजीनियस है, इन रियलिटी इट इज हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस, ठीक है, इज इट क्लियर? सो दैट इज इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सो फाइनली हमने बेसिक पॉइंट देखे मिक्सचर्स के, एंड वी अंडरस्टूड व्हाट आर सॉल्यूशंस, व्हाट आर सस्पेंशंस एंड व्हाट आर कोलाइड्स, एंड इन सब के डिटेल्स में हम पढ़ेंगे 11th में, हम इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम यहाँ पर पॉइंट आ गए हैं, इतना हमको मिक्सचर्स के बारे में पता है, इतना हमें कंपाउंड्स के बारे में पता है कि अब हम इनका डिफरेंस बता सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड में। तो सबसे पहला डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड, मतलब मिक्सचर्स में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट को आप सेपरेट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट को आप सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर्स के जो पार्टिकल, जैसे अब सॉइल और वाटर है, उसको मुझे सेपरेट करना है, तो मैं कपड़ा लगा दूंगा, सॉइल ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे निकल जाएगा, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, मतलब फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते, बट ऑब्वियसली केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुझे सेपरेट करना है, तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस से वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट कर सकता हूं बच्चों, ये हम देख चुके हैं। वेरी इन कंपोजिशन, अब देखो वेरी इन कंपोजिशन मतलब सिंपल वर्ड में मैं समझाना चाहूँ तो मेरे घर में जो चूड़ा बनेगा और आपके घर में जो चूड़ा बनेगा कभी सेम बन सकता है क्या? कभी सेम बन सकता है? अरे आपकी मम्मी सुबह चूड़ा बनाएगी और शाम को चूड़ा बनाएगी तो अलग अलग बनेगा ना, तो मिक्सचर्स हमेशा अलग रहते हैं। जैसे कि मेरे घर में जो मिक्सचर रहेगा वो अलग रहेगा, आपके घर में जो मिक्सचर रहेगा वो अलग रहेगा, सेम टू सेम नहीं हो सकते, बशर्ते आपने एक साथ बनाया और डिस्ट्रीब्यूट किया, वो अलग बात है, वैसा नहीं बन रहा है। अलग अलग अगर आपने बनाया है तो वो अलग अलग बनेंगे, लेकिन पानी का ऐसा नहीं है। मेरे घर में जो पानी है H2O, H2O मेरे घर का, आपके घर का भी H2O ही रहेगा बच्चों, मतलब वाटर मेरे घर का आपके घर का सेम रहेगा, मतलब फिक्स इन देयर कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन जिससे वो बनते हैं वो फिक्स रहेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स आर सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो ये पॉइंट हमने अलग डिफरेंट तरीके से पढ़ा है, ये पॉइंट क्या है कि जो भी मिक्सचर्स होते हैं वो जिससे बनेगा, अब देखो पानी से बनेगा तो लिक्विड बनेगा, एयर से बनाया तो गैस बनेगा, तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे जिससे वो बनता है उसी की प्रॉपर्टी शो करेगा, जिससे वो बनता है उसी की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन कंपाउंड का ऐसा नहीं है, हमने वाटर का एग्जांपल देखा, वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हमें बनता है वाटर, और हाइड्रोजन आग लगाता है, वाटर भी आग लगाता है, लेकिन सॉरी ऑक्सीजन भी आग लगाता है लेकिन वाटर आग बुझाता है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कि जिससे वो बनते हैं उनसे उनकी प्रॉपर्टी अलग रहती है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया और ये पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इज अलॉय मिक्सचर, अलॉय एक मिक्सचर है क्या? तो बच्चों अलॉय इज द मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड सॉल्यूशन, अलॉय इज द सॉलिड सॉल्यूशन होता है ये, सॉलिड सॉल्यूशन। कैसे बच्चों? इसमें डिफरेंट मेटल्स को मिक्स किया जाता है इसमें। जैसे कि अगर गोल्ड का अगर मुझे कुछ ऑर्नामेंट बनाया तो उसमें गोल्ड और कॉपर मिक्स कर दिया तो वो एक यूनिफॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि गोल्ड और कॉपर मिक्स कर दिया तो मेरा एक पार्ट में गोल्ड रहेगा एक पार्ट में कॉपर। जैसे ब्रॉन्ज, ये डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। तो अलॉय आपको ध्यान में रखना है, अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल, बट कौन सा मिक्सचर याद रखेंगे? होमोजीनियस, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर, नॉट हेटेरोजेनस, होमोजीनियस मिक्सचर,
देन इसके बाद हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी। ओके सो जैसे कि हमारे पास में सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स थोड़े से थोड़े अलग है, उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो कोलाइड्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन में ऐसा उतनी कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। अब कोलाइडल सॉल्यूशंस का एग्जांपल तो हम जानते हैं, मिल्क, मिल्क एक एग्जांपल है बच्चों। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, दूसरा एग्जांपल है ब्लड, हमारा जो खून है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। सबसे पहला कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल इज कॉल्ड डिस, मतलब अब देखो रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स फेस। अब देखो जैसे हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोला था, तो सॉल्यूट जो था वहां पे जो दूसरे में डिसॉल्व होता है, तो यहाँ पे दूसरे में डिस्पर्स हुआ, इसको हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे डिस्पर्स, तो उसे हम बोलेंगे डिस्पर्स फेस। ये एक सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की जगह हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे डिस्पर्स फेस। बच्चों ये टॉपिक हम 11th में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ आपको समझना है कि कोलाइडल जैसे सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम या फिर कंटिन्यूस मीडियम को मिला के बनता है। देखो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेस मतलब सॉल्यूट और डिस्पर्स मीडियम मतलब सॉल्वेंट, सिर्फ यही इसका मतलब है। अगर जिसमें मिक्स कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स मीडियम, जिसको मिक्स कर रहे हैं वो हो गया सॉल्वेंट, क्लियर है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से मतलब होता क्या कि कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इस वजह से कोलाइड्स के पार्टिकल, देखो कोलाइड्स के जितने भी देखो होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस है, तो होमोजेनस के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल माइनर डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हेट्रोजेनस के पार्टिकल पूरे कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, इसीलिए उसमें पार्टिकल्स होते हैं। तो इस पार्टिकल के वजह से दे शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है द फेनोमेनन इन विच लाइट स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स एंड पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, टिंडल कम इज दैट विजिबल एज अ टिंडल कोन, मतलब कि एक कोन की तरह दिखता है। अब ये छोड़ देते, यहां पर इमेज देखो आप क्या दिख रहा है आपको, एक कोई भी मतलब इस एग्जांपल को आप समझ सकते हो, घर में सुबह सुबह के टाइम, नॉट होल दिन भर में नहीं देखना है, सुबह के सुबह 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 समझ में अगर आपने थोड़ा सा खिड़की खोल दिया, कोई छोटी सी जगह, तो आप देखोगे ऐसा लाइट आता है, ऐसा लाइट दिख रहा है आपको, दिखता है आपको लाइट ऐसा, दिन भर आप देखो खिड़की के पास तो ऐसा रोशनी ऐसे रास्ता नहीं दिखता है लाइट का। ओके सो जैसे अगर आपने छोटा सा विंडो ओपन रखा है तो वहां से आपको एक रास्ता दिखेगा लाइट का, दिन भर आप देखो आपको ऐसा रास्ता नहीं दिखने वाला है। ये रास्ता क्यों दिख रहा है, और ये रास्ते में आप ध्यान से देखना तो आपको छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे। आप चेक करो आज मतलब सुबह चेक करना, सुबह सुबह जब उठोगे तो खिड़की थोड़ी सी खोलना या दरवाजा, खिड़की दरवाजा कुछ भी, तो आपको ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे। क्यों, पूरे घर भर क्या पार्टिकल नहीं रहेंगे, सिर्फ खिड़की के पास पार्टिकल रहेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। ये जब लाइट इसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर आएगी, देखो ये लाइट इस पार्टिकल के ऊपर आएगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस लाइट को सब तरफ स्कैटर करेगा। This scattering of light, देखो क्या बोला है इसको, scattering of light, इसको हम scattering कहते हैं। Scattering का ही मतलब होता है बच्चों spreading of light everywhere, पूरे जगह spread करना, उसको हम Tyndall effect कहते हैं। और Tyndall effect का actual मतलब होता है कि light का path दिखना। अब रात के वक्त जब आप गाड़ी की लाइट चालू करते हो तो आप गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है वो कैसे दिखता है, अब आपकी गाड़ी में एलईडी होगा तो नहीं दिखेगा, जो येलो वाली लाइट थी पहले वो अगर होगी तो देखना ऐसे रास्ता मतलब ऐसा कोन दिखता है, लाइट जैसे चालू ऐसा कोन दिखता है, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। पेड़ों के बीच में भी, जंगल में पेड़ों के बीच में भी होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये कोलाइड, देखो ये टिंडल इफेक्ट क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, लेकिन कोलाइड्स और सस्पेंशन जो कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स काफी है इस पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए, और इसके बाद हमें डिस्कस करना है अबाउट द सेपरेशन टेक्निक्स, तो सेपरेशन टेक्निक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया मिक्सचर्स के बारे में, मिक्सचर्स एक्चुअली दो टाइप के, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का जो फर्दर मतलब है वो सॉल्यूशंस के बारे में देखा, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर, एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर में और दो पार्ट बोल सकते हैं हम लोग, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और मेनली टिंडल इफेक्ट के बारे में ध्यान दिया। तो यहां पर हमने पूरा कंप्लीट किया मिक्सचर्स के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेपरेशन पढ़ने वाले हैं, सेपरेशन के लेक्चर को देखने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।